ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत का न्यूजीलैंड दौरा अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अब वक्त आ गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में खेले जाने वाली सीरीज के बारे में, क्योंकि भारत अब न्यूजीलैंड के बाद में बांग्लादेश का दौरा करने वाली है, जहां पर 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएंगी। कई सालों बाद में भारतीय टीम वैसे तो न्यूजीलैंड का दौरा कर रही है और इस लिहाज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वैसे भी कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, बड़े बड़े नामी दिग्गज खिलाड़ी आपको इस ओडीआई सीरीज में देखने वाले हैं। कुल मिलाकर भारतीय टीम एक परफेक्ट प्लेइंग 11 की खोज करेगी, क्योंकि 2023 में महज कुछ ही महीनों में वनडे वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और उसकी तैयारी इसी सीरीज के साथ में कप्तान रोहित शर्मा करने वाले हैं। लेकिन ये मुकाबले कब, कहां, कैसे खेले जाएंगे, कितने बजे खेले जाएंगे, इसका पूरा स्केड्यूल तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने से मोबाइल में कैसे देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी, फ्री में कैसे देख सकते हैं, सब कुछ बताने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ही हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हम बता रहे हैं आपको भारत के बांग्लादेश दौरे के बारे में और पूरे स्केड्यूल के बारे में, ये मुकाबले कब, कहां, कैसे खेले जाएंगे, टेस्ट सीरीज कब, कहां खेली जाएगी, आप इसे लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं, इंडियन टाइम अनुसार ये मुकाबला कब शुरू होगा, सब कुछ बताएंगे, आइए एक एक करके जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी अपडेट आपको दे दें कि इस ओडीआई सीरीज के लिए भारतीय टीम में कप्तान रोहित शर्मा की वापसी हो चुकी है, और रोहित शर्मा की वापसी का मतलब भारत को अब अच्छी स्क्वाड की खोज में देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी ओडीआई की कप्तानी तो रोहित शर्मा ही करने वाले हैं, यानी रोहित की कप्तानी में एक और वर्ल्ड कप खेला जाएगा। टीम इंडिया फैंस के लिए आने वाला समय रोमांच से भरा रहने वाला है, क्योंकि भारत टीम अब न्यूजीलैंड के बाद में बांग्लादेश जा रही है, जहां फैंस को क्रिकेट का बढ़िया डोज देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जीती, वनडे में कड़ी टक्कर दी, और अब बात आ चुकी है भारत और बांग्लादेश के बारे में। पहले जानते हैं 3 वनडे मुकाबलों की शेड्यूल के बारे में, उसके बाद बताएंगे 2 टेस्ट मैच का शेड्यूल और टाइमिंग के बारे में। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात की जाए तो पहला वनडे मुकाबला 4 दिसंबर को खेला जाएगा, दूसरा वनडे मुकाबला 7 दिसंबर को खेला जाएगा, जी हां, और तीसरा वनडे मुकाबला 10 दिसंबर को खेला जाएगा। ये 3 वनडे मुकाबले की एक सीरीज रहने वाली है। अगर आप इनका टाइमिंग देखते हैं कि वनडे मुकाबले कितने बजे शुरू होंगे, 11:30 पर सुबह शुरू हो जाएंगे भारतीय समय अनुसार। जी हां, एक बहुत बड़ी यहां पे इवेंट खेली जाएंगी 3 मैचों की वनडे सीरीज का। इसके साथ में बात करते हैं टेस्ट सीरीज के बारे में भी। तो टेस्ट सीरीज की 2 मैचों की सीरीज है, जी हां 2 टेस्ट मैचों की सीरीज है, और पहला मुकाबला 14 से 18 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा। 5 दिवसीय टेस्ट सीरीज रहने वाली है, ये समय अनुसार सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा। लेकिन दूसरा मुकाबला टेस्ट का वो 22 से 26 दिसंबर के बीच में खेला जाएगा, यानी दिसंबर का महीना पूरा बांग्लादेश दौरे पर भारतीय टीम का रहने वाला है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले लाइव मैचों का लुफ्त आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकेंगे, क्योंकि इसी के पास वनडे और टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग है, और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स टीवी पर आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी देख सकेंगे। जबकि ऑनलाइन मैच देखने के लिए आपको सोनी लीव ऐप की जरूरत पड़ेगी, साथ ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप जरूरत पड़े तो डीडी स्पोर्ट्स को उठाकर देख लीजिएगा, वहां पर भी लाइव स्ट्रीमिंग हो सकती है और वहां आपको फ्री में भी देखने को मिलेगी, वरना सोनी लीव ऐप है जहां पर आप फ्री में देख पाएंगे। अब आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।